हेलो दोस्तों, कैसी है कुंवरनामा फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त कुंवर शाहिद और आज मैं जा रहा हूं एक छोटे से ब्लॉग पे और ये हम पहुंच चुके हैं गणेशपुर ब्रिज के ऊपर, द स्वीटेस्ट प्लेस ऑफ दी हैंगआउट। यहां पे लोग आते हैं घूमने शाम को और मैं जा रहा हूं आज अपनी बाइक को वॉश कराने के लिए। और एक्चुअली मैं आपको बताइए फॉर्म वॉश कराता हूँ बाइक को, तो फॉर्म वॉश जहाँ पर मैं रेगुलरली कराता हूँ वहाँ पर आज मैं नहीं जा रहा हूँ। आज मेरे फ्रेंड हैं और उन्होंने मुझे एक नई जगह इंट्रोड्यूस की है, वो एक्चुअली उनके फ्रेंड का शोरूम है। तो लेट्स सी कि कैसा शोरूम है, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ उन्होंने की है तो आज वहाँ चलते हैं और नई जगह पे देखते हैं कैसी फॉर्म वॉश करते हैं वो लोग। और क्योंकि बाइक बहुत दिनों से गंदी हो गई है, मैंने इसको वॉश नहीं कराया। वॉश न कराने का एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि 6-7 दिन से तो कांवड़ ही थी, मेरे ख्याल से 3-4 तारीख से, जुलाई से शुरू हो गया था पूरा और अब कांवड़ ख़त्म हुई है। कल जल था तो जल वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है और अब लोग धीरे धीरे अपने काम पे लौट रहे हैं, क्योंकि रुड़की शहर जो है यहाँ 7-8 दिन के लिए ना सब कुछ बंद हो जाता है। हाईवे तो बंद होता ही है और शॉप्स वगैरह भी सब बंद हो जाती है, तो हाईवे पे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं हाईवे पे निकल ही नहीं पाया बाइक लेके। एक्चुअली क्या है कि बाइक की जितनी ज़्यादा केयर करेंगे ना, बाइक भी हमें उतना ज़्यादा केयर करेगी। अगर हम बाइक की फीलिंग को नहीं समझेंगे, बाइक में कोई आवाज़ है या बाइक ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रही है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम टाइमली उसको चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो बाइक हमारी मेंटेन रहेगी, ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी। तो हमें अपनी बाइक की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। R15 मेरे सामने, अच्छी बाइक है, भी छोटी सी खूबसूरत बनाई हुई है कंपनी ने, नो डाउट। अगर इसमें इंजन थोड़ा पावरफुल होता तो ये बाइक और ज़्यादा खूबसूरत होती। कार बाजार में आपका स्वागत है। और ये देखो ये R1 वाला जो निकला है ना समझ तो तुम गए होंगे क्यों निकला है ये। मैंने तो इसको जस्ट ऐसे ही ओवरटेक किया, क्योंकि मैं जब से चलाऊँ मैं सबको ओवरटेक ही करते हुए आ रहा हूँ। तो इस होता है ना यार, सुपर बाइक में और वो नॉर्मल बाइक है, तो इसलिए उसने चेज़ किया। बट चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मन है। और ये लिखा है मिस्त्री वाला, तो चलो यार इंडिकेटर देते हैं। और ये हम आ चुके हैं कार डिटेलिंग स्टूडियो मिस्त्री वाला। तो यार ये है आई गेस वो जगह, कहाँ है हमारे दोस्त। तो ये हम पहुंच चुके हैं, ये छोटा सा इवान सामने बैठा है, वो हमारे दोस्त अंदर बैठे हैं एक्चुअली वो तब से मेरा वेट कर रहे हैं आने का। ये उनकी कार यहाँ पे वॉश हो रही है, तो अब हम अपनी भी फॉर्म वॉश कराएंगे। जैसे ये हमारे स्मार्ट फ्रेंड, प्यार से मैं इनको चाचा जी बोलता हूँ इनकी चाल देखो, द यंग मैन। आदाब अर्जे जनाब, क्या हाल है। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था कितनी देर हो गई वेट करते हुए। अरे यार क्या बात कर रहे हो, 11:30 बजे कॉल आई थी तुम्हारी, पहले 11:30 बजे पहली कॉल आई थी। और अच्छा हमको सिखा रिया है, और अभी 1 बजने वाला है, मैं टाइम से आ गया हूँ। तो चलो यार बाइक अब खड़ी कर दें और इसका भी प्रोसेस चालू कराते हैं। बाइक देखो कितनी गंदी हो चुकी है, सब जगह मिट्टी मिट्टी है यार, सब जगह मिट्टी है। तो इतना दिल दुख रहा है ना इसको चलाते हुए, 7-8 दिन से खड़ी है एज आई टोल्ड यू, ये अपना कुंवरनामा। तो अभी इसको वॉश कराते हैं बढ़िया से और देखते हैं इसकी चमक। और ये इवान हाय, तो आज हम राइड पे चल रहे हैं आपके साथ। चलो ठीक है, तो दोनों राइड करेंगे ब्रो।
यार बाइक हो गई है अपनी स्टार्ट, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है बाइक, अब हम निकलते हैं। थैंक यू। तो ये हम चल चुके हैं और बाइक इतनी स्मूथ लग रही है ना, अभी चलाने में मज़ा आ रहा है यार। हालांकि सर्विस थोड़ी कराई है मैंने, लेकिन बाइक को वॉश करा के एक फील अलग आती है यार, मज़ा आ रहा है अभी बाइक चलाने में सच्ची में। और एकदम चमक गई है ना, थोड़ा थोड़ा पानी है, वो थोड़ा लाइट चली गई थी इसलिए वो सुखा नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा चलेंगे, गर्मी इतनी हो रही है सब अपने आप सूख जाएगा। अब चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो कहीं जा तो नहीं पाएंगे, तो यार बाइक धुल चुकी है अभी के लिए। सी यू, टाटा, बाय बाय, और जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग आउट टिल द नेक्स्ट व्लॉग, इट्स योर फेवरेट कुंवर शाहिद।